हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माय सेल्फ प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज हम एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए पेपर टू हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, और आज के पर्टिकुलर सेशन में हम अध्ययन करेंगे यूनिट क्रमांक 1 एंशियंट हिस्ट्री। सो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यूनिट 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी यूनिट है, और यहाँ से जो है बहुत से प्रश्न हमें एग्जामिनेशन में आते हुए देखने को मिलते हैं। और आज के पर्टिकुलर सेशन में हम बुद्धिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हमारा लेक्चर क्रमांक 9 है। अभी देखिए, एंशियंट हिस्ट्री का हमारा सिर्फ एक ही पार्ट जो है बचा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें 16 महाजन पदों का अध्ययन कर लेना है। इस प्रकार से यूनिट 1 हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। इस पर अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप अवश्य पूछ सकते हो, और साथ ही साथ हम जो है एक यूनिट टेस्ट अरेंज करेंगे अब आने वाले 2 दिनों के बाद। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जो स्टूडेंट एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट और कोर्स साबित होने वाला है, क्योंकि यह एक कोर्स के माध्यम से आपके जो है जून की एग्जामिनेशन एज वेल एज दिसंबर की एग्जामिनेशन, एक साथ 2 एग्जामिनेशन आपको मिलेगा, यानी कि इसका जो वारंटी है 1 ईयर है। आज अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो आने वाली हमारी जून की एग्जामिनेशन एवं दिसंबर एग्जामिनेशन पूर्णतः कवर होगी। सो डेली बेसिस पर आपको 4 PM को हिस्ट्री पर आधारित सेशंस अवेलेबल है, फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। अभी फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के अंतर्गत आपके टोटल 10 यूनिट जो है वह भी कवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स अवेलेबल है, और इसमें क्लास की PDFs आपको एक्स्ट्रा अलग से मिलेंगी, जिससे कि आप अच्छे से बेहतरीन वे से अध्ययन कर सकते हो। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस PYQ विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जो है अगर कोई आपको डाउट है अध्ययन किस प्रकार से करना है, ये सभी प्रश्न जो है ना आपसे डिस्कस किए जाएंगे। पर्टिकुलर हम यूनिट 1 को अभी समाप्त कर रहे हैं, इस पर आधारित जो है ना टेस्ट हम अरेंज करेंगे। कोर्स को नए बैच जो है ना हमारी मंगलवार से स्टार्ट हो रही है, तो आप जल्दी से जो है ना कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स की ज्वाइन करने की फीस 10,000 मात्र है। इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और मात्र 8,000 में ये कंप्लीट कोर्स विद पेपर 1 अवेलेबल है, क्योंकि पेपर 2 हिस्ट्री के साथ साथ पेपर 1 जनरल पेपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज ही आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और देखिए यह ऑफिशियल्स नंबर्स है, इन ऑफिशियल्स नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए। यह यहाँ से कोर्स ओपन कर लीजिए, कंटेंट के सेक्शन से आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। इस प्रकार से एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का कंप्लीट कोर्स हमें देखने को मिलता है, और यह जो कोर्स है आपको जरूर से एग्जामिनेशन जो है टारगेट करने में मददगार साबित होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पर्टिकुलर सेशन। प्रीवियस सेशन में जो है हमने जैनिज्म के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। सबसे पहले याद रखिएगा, गौतम बुद्ध इनका जन्म जो है ना गौतम बुद्ध इनका जन्म जो है ना लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम। ठीक है, जन्म स्थल है इनका रुम्बनदेही जिले में आएगा। ठीक है, लुम्बिनी ग्राम। ठीक है, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम याद रख लीजिए, शुद्धोधन इनके पिता का नाम है। क्या है? शुद्धोधन इनके फादर का नाम है, शुद्धोधन। साथ ही साथ इनकी माता की अगर बात की जाए तो इनकी माता है महामाया। ठीक है, तो यह जो है ना देवदह माने कि कोलीय गणराज्य की शासक की पुत्री थी, और इनकी मासी का नाम था प्रजापति गौतमी। इस प्रकार से हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, और साथ ही साथ याद रख लीजिएगा इनका जो बचपन का नाम है वह सिद्धार्थ है। वह किस प्रकार से होगा वह हम आगे देखेंगे। सबसे पहले शुद्धोधन की पत्नी महामाया, माने कि इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और इनकी माता का नाम है महामाया। ठीक है, तो पूर्णिमा की रात एक स्वप्न देखा कि वे जगत के 4 कोनों के देवों द्वारा हिमालय में अवस्थित अनव तप्त नामक झील की ओर ले जा रही है, जहां उन्हें नहलाया जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं, सुगंधित द्रवों का छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, तो शीघ्र ही वहां एक सफेद हाथी जो है ना
श्वेत कमल लिए फूल लिए जो है ना परिक्रमा करते हुए देखने को मिला, और साथ ही साथ वह जो है गर्भाशय में प्रविष्ट कर गया। सो एक प्रकार से यह बताया गया है कि किस प्रकार से गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना उससे पहले की घटनाएं जो है ना वर्णन की गई है। साथ ही साथ दूसरे दिन जो है ना माने यह स्वप्न उनको पड़ा, और स्वप्न के बाद हमें देखने को मिलता है कि उन्हें जो है ना ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की गई कि उन्हें अद्भुत पुत्र जो है उत्पन्न होगा, जो महाबानव बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। ठीक है, सो इस प्रकार से सुधदन की पत्नी महामाया, ठीक है, जब ससुराल, इनका ससुराल माने की कापिल्य वस्तु, कापिल्य वस्तु देखिए, अभी कल जो है ना हम 16 महाजन पदों का अध्ययन करने वाले हैं, तो 16 महाजन पदों के अंतर्गत हमें कापिल्य वस्तु के शाक्य गणराज्य को भी अध्ययन करना है। ठीक है, अपने ससुराल से वे क्या कहाँ गए, मायके में गए, उनका मायका कहाँ है तो देवदह में है, माने कि कोलीय गणराज्य की राजधानी इनका मायका था। ठीक है, जाते समय जो है लुम्बिनी ग्राम में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, यानी कि गौतम बुद्ध इनका जन्म कहाँ हमें देखने को मिलता है, लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ पर, लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ, और जन्म के बाद इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। ठीक है, जिसका अपना अर्थ है, अर्थ सिद्ध कर दिया हो, जिसने अपना खुद का अर्थ जो है ना सिद्ध कर दिया हो, ऐसा सिद्धार्थ इनका नाम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं सिद्धार्थ का जो गोत्र है गौतम से जुड़ा है, इसलिए इनका पूर्ण नाम हो गया सिद्धार्थ गौतम। जन्म के 7वें दिन इनकी माता माने कि महामाया जो है इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका जो लालन पालन पालन है उनकी मासी ने किया था, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी यह उनकी क्या है, मासी है। गौतम को देखकर कालदेव तथा कौंडिन्य जो है नामक ब्राह्मण है, यह ब्राह्मण ने क्या की थी, भविष्यवाणी की थी कि गौतम बुद्ध जो है एक तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर सन्यासी बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सी जन्म की पूर्व की जो घटनाएं हैं प्रचलित है। हालांकि शुद्धोदन ने गौतम का घर जो है ना उनका मन लगाने के लिए 3 प्रकार के ऋतु हम देखते हैं, समर, विंटर एवं मानसून। ठीक है, इस 3 प्रकार के ऋतु जो है ना राजप्रसाद जो है ना इनके रहने के लिए बनाए गए थे। जब यह 16 वर्ष के हुए माने कि गौतम बुद्ध, तब इनका शादी हुई माने कि विवाह हुआ। किनसे इनका विवाह हुआ, तो यशोधरा इनसे इनका विवाह हुआ। ठीक है, विवाह के 12 वर्ष बाद माने कि 28वें वर्ष में गौतम को यशोधरा से पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, इससे वह प्रसन्न न हुए, वरन उन्हें मोह बंधन मानकर उसका नाम रखा गया राहुल। माने कि यहाँ से 2-3 प्रश्न, जैसे कि इनके पिता का नाम क्या है सुदोदन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल है। ठीक है, तो इनके पड़ोसी देखिए, यह जो टाइम पीरियड है इसमें जो है ना गणराज्यों के बीच पानी, जैसे कि कोलियो से रोहिणी नदी मतलब पानी के लिए जो है ना मुठभेड़ हुआ करती थी, और बार बार यह सब इंसिडेंट होने के कारण जो है ना लोग भी मारे जाते थे। ठीक है, इसी से हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है ना वैरांग भावना माने कि उनके जीवन की 4 घटनाओं के कारण जो है ना इन्होंने डिसीजन लिया, इस प्रकार से बताया गया है। सबसे पहले तो बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा, दूसरा इन्होंने बीमार माने कि रोगी को देखा, तीसरा देखा लाश, और चौथा देखा सन्यासी। ऊपर के 3 दृश्य जब इन्होंने देखे तब यह व्यतीत तो हो गए। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने सन्यासी का यह देखा, चेहरा देखा, तो वह प्रसन्न हो गए। जो सांसारिक मोह बंधन त्याग कर प्रसन्न मुद्रा में भ्रमण कर रहा था, कौन, सन्यासी। सो प्रथम 3 दृश्य ठीक है, अशांत रह गए, सप्त हो गए, उन्हें मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि चौथा जब उन्होंने दृश्य देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है, प्रथम 3 दृश्य के मार्फत गौतम ने यह जाना कि एक एक दिन प्रत्येक व्यक्ति जो है ना सभी को बूढ़ा होना है, साथ ही साथ बीमार पड़ना है और मर भी जाएगा। जबकि चौथा दृश्य जो है ना गौतम संसार त्याग एवं निवृत्ति के मार्ग को उत्प्रेरित करते हुए हमें देखने को मिलता है। एक रात रमणीय गणिकाएं नृत्य करते समय राजकुमार गौतम सो गए। ठीक है, और गौतम ने नींद में ही जो है ना हम देखते हैं कि गौतम संसार का त्याग करने की भावना इनके मन में दृढ़ हो गई।
अंततः यशोधरा, साथ ही साथ शिशु राहुल, इन्हें सोता देखकर वह जो है ना गृह त्याग इन्होंने किया। कब गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जो है इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। और यह जो इन्होंने गृह त्याग किया है, तो यह गृह त्याग करने की घटना जो है इसको ही कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण का। यह बहुत ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो याद रखिए कि 29 ईयर्स में जो है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया है, और उन्होंने गृह त्याग जो किया इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो वेरी वेरी यह हाइलाइटेड हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो गौतम बुद्ध के जीवन के कुछ सिंबल है, ठीक है, जैसे कि अवक्रांति, ठीक है। तो इसमें जो है ना माने कि एक प्रकार से स्वप्न जो है ना, महामाया जो है ना सफेद हाथी का उन्हें स्वप्न पड़ा है, ठीक है। तो अवक्रांति जो है ना बुद्ध के जीवन की घटना है, जिसमें से पहला हमें देखने को मिलता है कि महामाया का स्वप्न व गर्भधारण, इनके गर्भधारण का प्रतीक है सफेद हाथी, क्योंकि उनके माँ ने जो है ना पहले ही स्वप्न देखा था, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आपको बताया, ठीक है। जन्म, जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, ठीक है। कमल एवं सांड जो है इनका जन्म का प्रतीक है। घोड़ा, गृह त्याग की जो घटना है जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, इसका प्रतीक हमें देखने को मिलता है घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है, ठीक है। साथ ही साथ इनको जो ज्ञान प्राप्ति होती है इसको कहा जाता है संबोधि, ठीक है। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है संबोधि, ठीक है। कहाँ? बोधि वृक्ष, ठीक है। चलिए, इसके बाद है धम्म चक्र प्रवर्तन। सो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया उसी को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और इसका प्रतीक अगर पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा कि चक्र इसका प्रतीक है। साथ ही साथ महापरिनिर्वाण, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। क्या है? स्तूप। यहाँ से बहुत बार एग्जामिनेशन में जो है ना क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से यहाँ से बहुत बार हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो गौतम बुद्ध के जो है ना कुछ फुटप्रिंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यह मल्टी मीनिंग सिंबल है इसमें, ठीक है। जैसे कि बर्थ हो गया इनका, डेथ हो गया, ठीक है। तो यह सब हमें क्या करना है, पद चिन्हों को, फुटप्रिंट्स को भी देख लेना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इनके स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं, ठीक है, कि ज्ञान की खोज में वह प्रथम जो है ना आलाम कलाम से मिले थे, ठीक है। वह रुद्रक रामपुत्र गौतम ने आकार गोशाला का ज्ञान माने कि सांख्य दर्शन का ज्ञान इनसे सीखा था, ठीक है। ये सुखकर काटा हो गए किंतु ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। अंततः इन्होंने इस कठिन तपस्या का त्याग किया एवं बकरोल ग्राम की सुजाता नामक शूद्र कन्या के हाथों से इन्होंने क्या किया है, खीर ग्रहण किया है, ठीक है। सो अन्न ग्रहण करने के कारण जो है ना 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया था, ठीक है। गौतम अब गया, गए कहाँ गए थे, गया, और एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई, और साथ ही साथ दृढ़ निश्चय कर लिया कि ज्ञान प्राप्त होने तक समाधि भंग न करेंगे, ठीक है। कामदेव के नेतृत्व में जो है ना इनके समाधि को भ्रष्ट करने की, या फिर इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी है ना, निश्चय जो किया था उसको भटकाने की भी कोशिश की गई। 7 दिन एवं 7 रात, ठीक है, बैठे रहने के पश्चात जो है ना 8वें दिन जो है वैशाखी पूर्णिमा के दिन इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35वें वर्ष जो है ना गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को घटना को संबोधिनी, एलिटमेंट कहा गया है। क्या कहा गया है? एलिटमेंट कहा गया है, ठीक है। सो इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई, ऐसा भी प्रश्न हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा 35वें वर्ष जो है ना, 35 है ना, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। जिस पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई है उसे बोधि वृक्ष है ना, और गया को कहा जाता है बोध गया, ठीक है। तो किस प्रकार से शब्द का प्रयोग
प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह भी बात आप सभी को समझनी है। बुद्ध ने सर्वप्रथम बनारस के सारनाथ, ठीक है, के हिरण्य अरण्य में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। इसका अर्थ पहला उपदेश कहाँ पर हुआ, ऐसा प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि पहला जो उपदेश दिया गया है सारनाथ में दिया गया है। ठीक है, सो सारनाथ में बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दिए जाने की जो घटना है इसको ही कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये वही 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने अन्न ग्रहण करने के कारण उनका साथ छोड़ दिया था। ओके, सो यहाँ से क्या क्या सो आपको याद रखना है। गया गए, पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुई, 35वें वर्ष जो है ना इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। अभी यह जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है इसको ही कहा जाता है संबोधि, एलिटमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई इसलिए पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाएगा और गया को जो है ना बोध गया। फर्स्ट इनका जो उपदेश है कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। उपदेश देने की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है, तो इसी को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह सभी बातें जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने सर्वाधिक, देखिए पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया गया, लेकिन बहुत बार एग्जामिनेशन में हमें प्रश्न देखने को मिलता है कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो है ना, ठीक है, बुद्धा गिव मोस्ट ऑफ द सेरेमनीज ऑफ द श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ है? कोसल। ठीक है, हाँ, सो यहाँ पर दिए हैं बुद्ध के अंतिम उपदेश दिए गए हैं कुशीनगर। कहाँ पर? देखिए फर्स्ट उपदेश सारनाथ, ठीक है, सर्वाधिक श्रावस्ती, और लास्ट कब दिया था, तो लास्ट दिया गया था कुशीनगर में। ठीक है, मल्लों की राजधानी है कुशीनगर, यहाँ पर लास्ट हमें क्या देखने को मिलता है, उपदेश देते हुए देखने को मिलता है। यहाँ से 2-3 बात, 80 वर्ष की आयु में जो है ना मल्लों की राजधानी है कुशीनगर। ठीक है, मल्ल संघ है, 16 महाजनपदों के अंतर्गत। हमें यह टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लेना है। अभी इसको समझ लीजिए कि 80 वर्ष की आयु में जो है ना मल्लों की राजधानी कुशीनगर जो है, यहाँ हम देखते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध की मृत्यु हुई, और जब शरीर त्यागने की जो यह घटना है इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाह। तो ये सही सभी जो टर्मोलॉजी है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सभी को आपको क्या करना है बहुत अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है ना यही से भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यह पार्ट आप सभी के लिए। ओके, चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि पीपल वृक्ष नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, है ना। ओके, तो हाँ, गया को बोध गया कहा गया, प्रथम उपदेश सारनाथ को दिया, और प्रथम उपदेश देने की जो घटना है इसी को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ सर्वाधिक जो उपदेश दिए गए हैं श्रावस्ती में है, लास्ट कहाँ दिया गया, तो कुशीनगर में। इनका जो मृत्यु है देहांत है कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में ही हुआ था। ठीक है, चलिए, ये बहुत बड़े इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो यहाँ से हम देखते हैं कि जब महापरिनिर्वाह और पश्चात जो है ना मृत्यु के पश्चात जो है ना गौतम बुद्ध के भस्म अवशेष जो है ना इसके दावेदार हो गए, जो स्तूप बनाकर इस अवशेषों को इनको क्या सुरक्षित रखना चाहते थे। इनमें कौन कौन शामिल है, तो देखिए बुद्ध के अवशेष को 8 भागों में विभाजित किया गया है ना। पहले हम देखते हैं पावा एवं कुशीनगर के मल्ल, दूसरा है मगध के अजात शत्रु, तीसरा है वैशाली की लिच्छवी, चौथा है अलकन के बूली, पिपलीवन के मौर्य, छठवा है कापिल्य वस्तु के शाक्य, उसके बाद है रामग्राम के कोली, वेट द्वीप के ब्राह्मण। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि इनके अवशेषों पे क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के त्रिलोक। यहाँ से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 आधार है। ठीक है, बुद्ध है, धम्म है एवं संघ है। क्या है? बुद्ध है, कल भी हमने जैनिज्म में देखा था। ठीक है, बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है, चलिए,
तो बौद्ध भिक्षु भिक्षु ने भिक्षु जो है ना इनका संगठन था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की संज्ञा किसे दी जाती है? तो बुद्ध धम्म एवं संघ को दी जाती है। तो यह भी बात हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बातें हैं डिस्कस करने की, ठीक है। और इसकी पीपीटी जो है ना, माने कि पीडीएफ जो है ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप जो है इसको वहां से बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो। चलिए, सो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, हमने जाना है बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। बुद्धिज्म के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो है ना महत्वपूर्ण है, गौतम बुद्ध के बारे में हमें क्या करना होता है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो इनका जन्म, ठीक है, कहाँ हुआ है? लुम्बिनी ग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी ग्राम, ठीक है। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा सुधोधन है। क्या है? सुधोधन, यह इनका पिता का नाम है। इनके माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है महामाया। क्या है? महामाया इनके माँ का नाम है, ठीक है। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी है, ठीक है। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनके मासी का नाम है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनका अगर पूछ लिया जाए बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है, ठीक है, सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ क्या है? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है, ठीक है, ओके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इनके पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा है। क्या है? यशोधरा, ठीक है, पत्नी का नाम है। पुत्र का नाम अगर पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा कि राहुल, यह इनके पुत्र का नाम है। क्या है? पुत्र का नाम राहुल है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि गृह त्याग की घटना कब हुई थी, तो गृह त्याग का प्रतीक है 29वें वर्ष जो है ना, 29वें ईयर्स में इन्होंने गृह त्याग किया था। और गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 35 है ना संबोधि, माने कि ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 35 ईयर्स में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। बोधि वृक्ष माने कि पीपल का वृक्ष है ना, इनको ज्ञान जो है ना प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, ओके। साथ ही साथ हम देखते हैं सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो याद रख लीजिएगा कि पहला उपदेश जो है ना, फर्स्ट उपदेश जो है ना, सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। हम देखते हैं अंतिम कहाँ था? कुशीनगर मल्ल संघ में, ठीक है। और सर्वाधिक कहाँ पर इन्होंने दिए हैं उपदेश? तो श्रावस्ती में दिए हैं, ओके। इनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, जैसे जन्म का कमल एवं सांड जो है प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष प्रतीक है, ठीक है। धम्मचक्र प्रवर्तन माने कि प्रथम जो इन्होंने उपदेश दिया इसका जो सिंबॉल है वह चक्र है, और मृत्यु का सिंबॉल है इनके महापरिनिर्वाह का स्तूप है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इनके जीवन के प्रमुख क्रमों का घटनाएं, ठीक है। यह जो है ना शाक्य कुल से संबंधित थे, और बहुत बार जो है ना जीवन चरित्र में यह भी पूछा जाता है, या फिर कथन एवं कारण के लिए आपको यहाँ से प्रश्न जो है ना पूछ सकते हैं। इसलिए याद रख लीजिएगा कि यह शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, है ना, ओके। सो इनके जीवन में परिवर्तन लाने वाली माने कि यह चित्र ही था, ठीक है। जो उन्होंने चार चित्र देखे थे है ना, तो उसी के ही बाद हम क्या देखते हैं, जैसे बूढ़ा व्यक्ति देखा था है ना, रोगी देखा था, लाश देखी थी एवं सन्यासी। लेकिन तीन को देख के वह संतप्त हो गए, लेकिन चौथे को देख के इनका मन जो है ना प्रसन्न हो गया था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इनके जीवन की प्रमुख यह जो घटनाएं हैं इनको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हमने इनके जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, प्रथम उपदेश कहाँ हुआ है ना, चलिए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए, मृत्यु उनकी कहाँ हुई, ये सभी एवं इनके महापरिनिर्वाह के पश्चात जो है ना स्तूप जो है अवशेष कहाँ कहाँ रखा गया है, तो ये सभी जो बातें है ना डिस्कस कर ली है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक का पार्ट जो है ना
खत्म कर चुके हैं। तो भिक्षु जीवन का प्रारंभ जो है ना प्रव्रजा से हुआ करता है, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, भिक्षु बनना है, तो इसके लिए याद रखिए प्रव्रजा सेरेमनी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो संघ में प्रवेश करने की जो भिक्षु जीवन का प्रारंभ जो है ना प्रव्रजा से होता है, ठीक है। चलिए सो इसको याद रख लीजिएगा। सेकेंडली, संघ में अगर हमें प्रवेश करना है तो संघ में प्रवेश करने की आयु कितनी है? 15 वर्ष है, ठीक है। 15 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति प्रव्रजा माने कि संन्यास जो है ना ग्रहण करता है, और जो संन्यास ग्रहण करते हैं इनको कहा जाता है श्रामणेर। क्या कहा जाता है? श्रामणेर कहा जाता है। संघ में 5 वर्ष रहने के पश्चात 20 ईयर्स की आयु में हम देखते हैं, चलिए 20 ईयर्स की आयु में हम क्या देखते हैं, ओके 20 ईयर्स की आयु में हम देखते हैं श्रामणेर की संपदा उपसंपदा सेरेमनी जो है ना इसके माध्यम से दीक्षा दी जाती थी। माने कि दीक्षा देने के लिए कौन सी सेरेमनी है? उपसंपदा है, ठीक है। और उपसंपदा प्राप्त श्रमणेर माने कि जिन्होंने यह कर लिया, उपसंपदा कर लिया, इनको कहा जाता है भिक्षु, ठीक है। सो बुद्ध ने स्वयं लोगों को प्रव्रजा उपसंपदा दी। बाद में संख्या बढ़ने के कारण इनके जो आचार्य है इन्होंने भी यह देना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर संघ में प्रवेश करना है तो उसके लिए व्यक्ति ने कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए, है ना, क्योंकि संघ में प्रवेश करने की जो आयु है यह बताई गई है 15 वर्ष, ओके। सेकेंडली, व्यक्ति चोरी न करता हो, है ना, व्यक्ति हत्यारा ना हो, व्यक्ति किसी का ऋणी ना हो माने कि किसी का कर्जदार ना हो, व्यक्ति जो है ना राजकीय सेवक न हो, व्यक्ति दास न हो, एवं व्यक्ति जो है ना रोगी नहीं हो। अगर इतना नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? संघ में जो है प्रवेश कर सकते हैं, ओके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बौद्ध महासंगीतियों का आयोजन हुआ है ना। तो 4 बौद्ध महासंगीति है, और यहाँ से जो है ना एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि बौद्ध महासंगीतियों में प्रथम बौद्ध महासंगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, स्थल कौन सा था माने कि कहाँ पर यह हुई थी? तो सप्तपर्ण गुफा गुफा जो है ना बिहार राजगृह में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिलता है। अध्यक्ष कौन है यह भी प्रश्न पूछते हैं, तो महाकश्यप क्या है? अध्यक्ष थे। बहुत बार जो है ना मैच द पियर के लिए हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि संरक्षक कौन है, एवं प्रथम बौद्ध संगीति आपको एक साइड में दी होगी और अनादर साइड में जो है ना उसके अध्यक्ष या फिर उसको जो प्रोटेक्शन दिया है, संरक्षण दिया है, किसने दिया है, इस पर भी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसको अजात शत्रु कौन है? तो यह हर्यक वंश जो हमें कल पढ़ना है, तो हर्यक वंश के शासक है, ठीक है। क्या परिणाम हुआ? विनय पिटक उपाली द्वारा पाठ एवं संकलन, एवं सुत्त पिटक का आनंद द्वारा गायन एवं संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हमें देखने को मिलता है। यहाँ से प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप, संरक्षक अजातशत्रु, इतना याद रखिए। द्वितीय बौद्ध महासंगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ है, कहाँ पर? वैशाली में। कहाँ हुई है? वैशाली में हुई है। सेकेंडली, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सबकामी कालाशोक थे। कौन थे? सबकामी कालाशोक थे। और यह जो कालाशोक है ना, ओके सो इसके अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं सबकामी कालाशोक, और संरक्षण दिया था शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक करके। सो इन्होंने इसको संरक्षण दिया। पूर्वी भिक्षु वैशाली एवं पाटलिपुत्र के जो भिक्षु हैं, पश्चिमी भिक्षु जैसे कि कौशाम्बी एवं अवंती के, इनके बीच विनय पिटक को लेकर देखिए त्रिपिटक हमें देखने को मिलता है। पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। सो इनमें याद रखिए कि सेकंड जो बौद्ध संगीति है इसमें विनय पिटक को लेकर विवाद हुआ था, और साथ ही साथ बौद्ध संप्रदाय जो है ना स्थविर माने की थेरवादी एवं महासंघीय माने की सर्वस्वी वादी जो है ना इसमें विभक्त हो गया। सो ये इम्पोर्टेंट है सेकेंड बौद्ध संगीति। थर्ड देखते हैं, तृतीय बौद्ध महासंगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोकाराम बिहार
पाटलिपुत्र। सो इसको अध्यक्ष जो थे तो मोगलीपुत्र तिस्न जो है ना, यह जो है हमें देखने को मिलते हैं। तृतीय बौद्ध महासंगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसको संरक्षण किसने दिया? तो मौर्य सम्राट अशोक ने दिया है, ठीक है। अभिधम्म पिटक का संकलन इसके पांचवें सूत्र के रूप में तिस्न है ना, मोगलीपुत्र तिस्न जो है ना, इनके द्वारा जोड़ा गया। संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियम का विधान किया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु धम्म दूत जो है इनको इनको भेजे गए। चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी, कहाँ पर? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन करके जगह है वहां पर। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है, और साथ ही साथ उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसको जो है ना संरक्षण माने की प्रोटेक्शन दिया है कुशाना वंश ने। कौन सा वंश है? यह कुशान वंश है। इसके शासक थे कनिष्क। बौद्ध ग्रंथों को जो है ना संस्कृत में विचार विमर्श के बाद जो है ना महाविभाष्य शास्त्र त्रिपिटक जो है ना, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। कौन से है? विनय पिटक। पहला तो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, एवं अभिधम्म पिटक है। तो इसमें से याद रखिएगा, इस पर टीका लिखी गई। क्या नाम से? महाविभाष्य शास्त्र, ठीक है, वसुमित्र द्वारा। ओके, सो साथ ही साथ याद रखिए, बौद्ध धर्म जो है ना स्पष्टता दो संप्रदायों में कब बटा? बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है। तो जब चौथी संगीति हुई थी तब हीन यान एवं महायान में बौद्ध जो है ना धर्म विभाजित हो गया। सो इस प्रकार से आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म को हमने डिस्कस कर लिया है, और अगले सेशन में हमें 16 महाजन पदों का अध्ययन करना है। सो इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से सेशन को देखते रहिए। थैंक यू।